नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि अमरूद के डाल में जड़ कैसे निकालते हैं और ये बरसात के मौसम में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों देखिए, हम पहले इस डाली को कट दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं। ये देखिए ऊपर की साइड में भी काट रहे हैं, पूरा गोल काट लीजिएगा। काटने के बाद इसका जो छाल है डाली का, उसे आप निकाल लीजिएगा चारों तरफ। मैं जैसा कर रहा हूँ आप लोगों को भी ऐसा करना है। ये देखिए चारों तरफ हम निकाल लिए। ये देखिए पूरा हो गया। फिर आपको दो ग्लास लेना है, उसको काट देना है। काटने के बाद दो ग्लास लीजिएगा, डाल के अंदर घुसने के बाद उसको घुमा दीजिएगा, फटा वाला एक नहीं दिखाई देगा। ये देखिए आप ऐसा कर दीजिएगा। करने के बाद आप सेलो टेप ले आइएगा, जो कटा हुआ एक गिलास है पहला वाला, उसको आप चिपका दीजिएगा। सीधा बैठाइएगा, फिर डालिएगा। देखिए हम नीचे की तरफ से भी बैठा रहे हैं। ये देखिए ये एक बांस का एक डाल है, जो उसके नीचे हम दे रहे हैं। जैसे गिलास मिट्टी डालने पर नीचे नहीं आए, और इसमें भी हम सेलो टेप मार रहे हैं। आपको भी ऐसा करना है जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर आप मिट्टी वाला थोड़ा खाद ले आएगा, फिर गिलास के ऊपर दे दीजिएगा। जो डाल की हम कटाई किए हैं, उसको पूरा ढक दीजिएगा मिट्टी से गिलास के अंदर। और दोस्तों अभी ये बारिश का मौसम चल रहा है, ये सब करने में आसानी होगी और जल्द से अमृत का फल फूल आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसको हम पानी डाल रहे हैं, अभी थोड़ा पानी दे देना है और 25 दिन बाद ये वहाँ पे जड़ होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे हम काटे हैं इस डाली को।